आज हम बनाएंगे आलू और बैंगन की सब्जी, जिसके लिए मैंने 2 कटोरी आलू धो के इनको काट लिया है अच्छी तरह से। ये भी हमने वॉश कर लिए हैं। इसके बीच में हम अभी कट लगाएंगे। और इसे फ्राई करने के लिए प्याज लिए हैं 1 कटोरी, 1 कटोरी टमाटर, ये अदरक और हरी मिर्च है। चलो अब हम इन सब्जियों को फ्राई करते हैं। कढ़ाई में 1/2 कटोरी तेल डाला है, वो भी सरसों का डाला है मैंने। आलू बैंगन सरसों के तेल में काफ़ी अच्छे बनते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें अपने आलूओं को फ्राई करेंगे। ये हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे कट लगा लिया, अब हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ग्रिल लगाई हुई है, आप इसे कोई भी ले सकते हो। अदरक और हरी मिर्च कटी हुई डालेंगे, तो फ्राई होने देते हैं। अब हम इसे अपने भून चुकी है, जो भी तेल काफी गर्म है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, अब हम इसमें अपने कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। इसमें मैंने 2 प्याज भी लिए थे और 2 टमाटर लिए हैं काट के। हाथ में के लिए पकने देते हैं। 1 चम्मच नमक लिया, 1 चम्मच हल्दी लिया, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच काली मिर्च, अमचूर पाउडर, 1 चम्मच सूखा हुआ धनिया और ये लिया है थोड़ा सा चाट मसाला। अब हम इसको 1 कटोरी में सब को इकट्ठा करेंगे। मसालों को 1 कटोरी में मैंने मिक्स कर लिया है। अब अपने तले हुए बैंगनों में इसको भरेंगे। सारा तैयार हो चुका है, अब हम इसमें बनाया हुआ मसाला सारा मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए चलाएंगे। इसमें फ्राई किए हुए अपने आलू ऐड करें। बैंगन में हमने सारा मसाला भर लिया अपना, अब इन्हें भी पकाएंगे 2 मिनट के लिए। हमारी आलू बैंगन की सब्जी बनकर तैयार है। देखिए हमारी आलू बैंगन की सब्जी बनकर तैयार है।